देखो ये महात्मा गांधी जो है मुक्ति यज्ञ कथा का आपका सारांश है, चाहे इसको कथानक लिखा जाए, कथा का सारांश लिखा जाए या कथा का सारांश या कथानक या कथा वस्तु, तीनों का मतलब आंसर जो होता है हमेशा एक ही होता है। तो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का नायक कौन है? महात्मा गांधी। ध्यान रखिए महात्मा गांधी, तो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का नायक है महात्मा गांधी। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक हैं महात्मा गांधी। कभी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के नाम, महात्मा गांधी जो नायक हैं उनकी विशेषताएं बताइए, मुक्ति खंड काव्य का नायक कौन है उनकी विशेषताएं बताइए। तो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक है महात्मा गांधी जी, उनकी चारित्रिक विशेषताएं, तो पहला क्या है? प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व जो था बहुत प्रभावशाली था। उनकी वाणी में सरल चुंबकीय प्रभाव था और डांडी यात्रा के समय के संबंध में मतलब कभी लिखा है, कहता है प्रभावशाली व्यक्तित्व, कैसा? गांधी जी अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति थे, उनके उनके उनकी वाणी में अद्भुत चुंबकीय प्रभाव था और उनकी डांडी यात्रा के संबंध में कवि ने लिखा है, वह प्रसिद्ध डांडी यात्रा थी, जनके राम गए थे फिर वन सिंधु तीर पर लक्ष्य विश्व का, डांडी ग्राम बना बड़ी प्रांगण। तो नेक्स्ट जो होता है, पहला होता है प्रभावशाली व्यक्तित्व, इनका व्यक्तित्व जो था ये मतलब बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली थे, इनकी वाणी में अद्भुत चुंबकीय प्रभाव है। उनकी डांडी यात्रा के संबंध में कवि लिखता है, वह प्रसिद्ध डांडी यात्रा थी, जनके राम गए थे फिर वन सिंधु तीर पर लक्ष्य विश्व का, डांडी ग्राम बना बड़ी प्रांगण। तो नंबर वन आता है प्रभावशाली व्यक्तित्व, ठीक है, और नंबर टू में लिखेंगे सत्य प्रेम और अहिंसा के प्रबल समर्थक। सत्य और सत्य, अहिंसा और प्रेम, मतलब झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, प्रेम, सबके प्रेम रखना है और अहिंसा, अहिंसा किसी की हिंसा नहीं करनी है। तो लिखते हैं मुक्ति यज्ञ में गांधी जी के सिद्धांतों के सत्य प्रेम और अहिंसा इनके प्रमुख हैं। अपने इन तीन आध्यात्मिक अस्त्रों के बल पर ही गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार की नींव हिला दी। इन सिद्धांतों को वे अपने जीवन में अच्छा सा उतारते थे। उन्हें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य अहिंसा और प्रेम का मार्ग नहीं छोड़ा। कहते हैं सत्य प्रेम और अहिंसा, तो कहते हैं सत्य प्रेम मतलब गांधी जी जो थे हमेशा सत्य बोलते थे, अहिंसा नहीं करते थे, वे सबसे प्रेम करते थे और क्या करते थे, वो आध्यात्मिक शस्त्रों के बल पर ही निश्चय ही पहले सत्य प्रेम अहिंसा मानव ने अपने इन आध्यात्मिक शस्त्रों के बल पर ही अंग्रेजों को आज़ादी दिलाई। गांधी जी ने अंग्रेज सरकार को छोड़ देकर अच्छी अंग्रेजी सरकार की नींव हिला दी। इन सिद्धांतों को वे अपने जीवन में अक्षर सा उतारना चाहते थे और वे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी काम करने से नहीं हिचकिचाते थे। तो कठिन से कठिन काम करने में भी उन्होंने उस मार्ग को नहीं छोड़ा। नंबर थ्री में जाएंगे दृढ़ प्रतिज्ञा, मतलब वो जो कहते थे वही दृढ़ प्रतिज्ञा कर देते। तो कहते हैं मुक्ति यज्ञ के नायक गांधी जी ने कार्य आरंभ किया उसे पूरा करके ही छोड़ा। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से निश्चय पर अटल रहते थे। उन्होंने नमक कानून तोड़ने की इच्छा प्रतिज्ञा की भी तो पूरा होकर नहीं दिखाया। तो उन्होंने पूरा होकर उसको नहीं दिखाया। कहते हैं पुआ मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा थे। मूर्ति यज्ञ के नायक थे जो गांधी जी, जो भी किसी भी कार्य को आरम्भ कर देते थे उसे वे पूरा करके ही दम लेते थे। उन्होंने नमक कानून तोड़ने की जो प्रतिज्ञा की वो उन्होंने उसे करके दिखा दिया। जैसे आत्म त्याग दूंगा पंथ पर ही क्षमा
आत्म त्याग दूंगा घर घर पर ही, उठा सका मैं यही ना नमक कर नींद, लौट ना आश्रम से आऊँगा जो सयाज वह छप नहीं, जो लौट ना आश्रम में आऊँगा वह सयाज में शक्य है। तो इस प्रकार से ये जो है मतलब ये जो क्या नाम है इसका मुक्ति यज्ञ जो है मुक्ति यज्ञ में मतलब कहानी का सारांश आप पहले दिख रहे हैं पूरा, और उसके बाद में ये जो लिखे हुए हैं 1, 2, 3 पॉइंट भी बताए हैं, यही पॉइंट्स को हम कल फिर रिपीट करेंगे। और आप जो है साथ साथ में लिखते रहिए बेटा, और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉपी जमा करा दीजिएगा, कॉपी आप लोग जमा करा दीजिए लेकर आइएगा, और उसके बाद में कॉपी आपकी चेक हो जाएगी, तो जब लिख जाएगा तो उसके आगे हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ा देंगे। ठीक है बेटा, ओके। Gracias.